एक अच्छे मानसून के बाद भरतपुर के लबालब भरे तालाब और झीलें पक्षियों के लिए स्वर्ग बन जाते हैं। जैसे ही प्रजनन का मौसम शुरू होता है, अंशतः जलमग्न पेड़ पक्षियों की प्रजनन बस्तियों में तब्दील हो जाते हैं। इस तरह का एक बबूल का पेड़ लगभग 30 से 40 पक्षियों के जोड़े और उनके घोंसलों को आसरा देता है। ये पेड़ माँ बाप द्वारा अपने चूजों को खिलाने और उन्हें आत्मरक्षा सिखाने की दिनचर्या हर रोज देखते हैं। हर जोड़े की अपनी लय और गति होती है। माता पिता बनने से पहले यूरेशियन स्पून बिल के इस जोड़े को अभी थोड़ा और काम करना है। उनका घोंसला अभी भी पूरा नहीं हुआ है। मजबूत घोंसले का मतलब है चूजों के लिए एक सुरक्षित आशियाना, और इसे ऐसा बनाने के लिए ये स्पून बिल की जोड़ी हर संभव कोशिश कर रही है। जल्द ही वे अंडे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। पड़ोस की स्पून बिल जोड़ी एक हफ्ते पहले ही अपने अंडे दे चुकी है। अब इन बच्चों को निरंतर भोजन मुहैया कराना जरूरी है। माता पिता बारी बारी से भोजन लाते हैं। एक भोजन लाने जाता है तो दूसरा घोंसले की रखवाली करता है। अगले 6 महीनों में ये चूजे आकार और ताकत दोनों में बढ़ेंगे और उड़ना भी सीखेंगे। स्पूनबिल के परिवार का पालन पोषण मॉनसून की सफलता पर निर्भर करता है। ताजे पानी से भरे तालाब और झीलें भरपूर मछलियां देते हैं, जो बढ़ते चूजों का मुख्य आहार होता है। लेकिन भरतपुर में मॉनसून दिन ब दिन अनिश्चित होता जा रहा है और बार बार सूखा पड़ रहा है। गिरते हुए जलस्तर का सीधा असर इन जैसी प्रजनन बस्तियों पर पड़ता है, जो ताजे पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती।